सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी 6 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कि सभी मेल्स को जरूर करनी चाहिए अगर उनका पर्पस है मसल बिल्डिंग। वैसे तो हम सभी मसल बिल्ड करने के लिए जिम में तरह तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, बट मैं इन 6 एक्सरसाइजेस को इसीलिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपके मैक्सिमम गेन्स जो है वो इन्हीं एक्सरसाइज को करने से आएंगे। इसीलिए अपने वर्कआउट शेड्यूल में इन एक्सरसाइजेस को या फिर इनकी वेरिएशन को जरूर शामिल करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वर्कआउट पे जाने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा वो है कि मैंने बहुत सारे बिगनर्स इवन इंटरमीडिएट्स को कई तरह की फैंसी एक्सरसाइज जिम में करते देखा है। उन एक्सरसाइज को करने से आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इवन उनके बेनिफिट बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टिक टू द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज करना मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल में जरूर शामिल करनी चाहिए वो है बारबेल बेंड ओवर रो। ये एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ ये आपके लैट्स और ट्रेपीजियस मसल को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे लोग बारबेल रो को नैरो ग्रिप से परफॉर्म करते हैं जिससे कि आपकी मिड बैक ज्यादा टारगेट होती है। इसी के साथ बहुत सारे लोग इसको अंडर हैंड ग्रिप से परफॉर्म करते हैं जिससे कि लैट एक्टिवेशन ज्यादा होती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टैंडर्ड बेंड ओवर बारबेल रो, जिसके लिए आपके फीट रहेंगे शोल्डर विड्थ, ग्रिप आपकी होगी शोल्डर से थोड़ी सी बाहर, नी सॉफ्ट रखें और पेल्विक बोन से आपको बेंड करना है 45 डिग्री। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा बेंड नहीं होना, उससे आपके इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। कोर को टाइट रखते हुए आप बार को अपने एब्स के नजदीक लाने की कोशिश करो जितना आप ला सकते हो, एंड स्टे देयर फॉर अ सेकंड, स्क्वीज योर अपर बैक एंड देन स्लोली रिलीज द वेट। बस ध्यान रखें कि आप एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करें, ईगो लिफ्टिंग ना करें, उतने ही वेट का सिलेक्शन करें जिससे कि आप अपनी फॉर्म और टेक्निक को मेंटेन रखते हुए 8 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म कर लें। बट यस, बारबेल बेंड ओवर रो को अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल में जरूर शामिल करें। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है डेडलिफ्ट। ये एक बहुत ही अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है आपकी पोस्टीरियर बॉडी के लिए। लोग मेजरली इसको करते हैं लो बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, बट इसके साथ साथ ये आपकी काफ, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, स्पाइनल इरेक्टर्स, लैट्स एंड ट्रेपीजियस मसल को स्ट्रेंथनिंग करने में भी हेल्प करती है। डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को प्लेस करें बार के नीचे शोल्डर विड्थ, आपकी ग्रिप रहेगी शोल्डर से थोड़ी सी बाहर और हिप्स को बहुत ज्यादा डाउन या बहुत ज्यादा हाई ना रखें, आपके हिप्स रहेंगे आपकी नी और हेड के बीच में। लोअर बैक को टाइट रखें, लैट मसल को इन्वॉल्व करें और बार को बॉडी के नजदीक रखते हुए लिफ्ट करें और सीधे खड़े हो जाएं। बस ध्यान रखें कि आपको हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, आपको सीधे खड़े होना है। डेडलिफ्ट को आप हफ्ते में कम से कम 2 बार करने की कोशिश करें। वेट सेलेक्ट करते हुए इतना ध्यान रखें कि हर सेट में आप 6 to 8 रेपिटेशन परफॉर्म जरूर करें, और जिन लोगों की डेडलिफ्ट करते हुए ग्रिप लूज हो जाती है वो मिक्स ग्रिप से डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड मस्ट डू एक्सरसाइज है ओवरहेड बारबेल प्रेस। This is one of the best exercise for your shoulder development. इसके साथ साथ ये आपकी upper chest, traps, triceps and core को भी strengthening करेगी। Exercise को perform करने के लिए आपके दोनों हाथ रहेंगे shoulder से थोड़ा सा बाहर। यहां से आप bar को lift करेंगे head के ऊपर। Full range of motion means आपके arms जो हैं वो fully extend हो जाने चाहिए। वहां से आप bar को आराम से स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आए, और ध्यान रहे कि आपकी लोअर बॉडी ज्यादा मूव नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसी एक्सरसाइज की वेरिएशन करना चाहते हो तो आप सिटेड बारबेल प्रेस, स्टैंडिंग डंबल प्रेस या फिर सिटेड डंबल प्रेस भी कर सकते हो, बट
किसी ना किसी तरीके की ओवरहेड प्रेसेस को आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में जरूर शामिल करो। वीडियो में अभी तक बताई गई और आगे आने वाली सभी एक्सरसाइज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाएंगी, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए एक मेन हार्मोन है। एक्सरसाइज के साथ साथ आप यूज कर सकते हैं कपिवा का हिमालयन शिलाजीत, जो कि 100% ऑर्गेनिक एंड प्योर है। इसको हिमालय से सोर्स किया जाता है और इसमें एडेड कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव करने के साथ साथ ये मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। इसमें आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेगा और हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। कपिवा का हिमालयन शिलाजीत इस्तेमाल करना सेफ है, क्योंकि इसको प्योरीफाई और फिल्टर किया जाता है। इस्तेमाल करने के लिए आप चम्मच के पिछले हिस्से को गर्म करके एक मटर के दाने जितना शिलाजीत निकाल लें और उसको ल्यूक वॉर्म वाटर या फिर मिल्क में अच्छे से डिजोल्व करके कंज्यूम करें। और अगर आप कपिवा का हिमालयन शिलाजीत ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज कॉल्ड स्क्वाट्स, जो कि मेजरली टारगेट करती है आपके क्वाड्स को, बट इसमें मल्टीपल मसल काम करते हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, कोर एक्सेट्रा। स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए आप बार को जहां से लिफ्ट करते हो उसकी हाइट आपके शोल्डर से नीचे होनी चाहिए, सो दैट आप इजिली बार को लिफ्ट कर पाओ। दोनों हाथों को शोल्डर के नजदीक रखने की कोशिश करें, सो दैट आपका पोस्चर करेक्ट रहे और आपको स्क्वाट में वेट लिफ्ट करने में हेल्प मिले। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगा शोल्डर विड्थ एंड टोज पॉइंटेड आउटवर्ड। नी सॉफ्ट, कोर टाइट, पेल्विक बोन को पीछे रखते हुए आराम से नीचे बैठ जाएं एंड बहुत ही कंट्रोल वे से वापस आएं। स्क्वाट करने के लिए जब भी आप बैठते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हाफ स्क्वाट परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आपको एटलीस्ट पैरेलल टू दी ग्राउंड बैठना है, या फिर आप पैरेलल से थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हो। उस केस में आपको अपनी बैक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थ्रू आउट द मूवमेंट आपको नेक को स्ट्रेट रखना है। हर सेट में आप 8 से 12 रेपिटेशन जरूर करें, और हाँ, स्क्वाट्स को हफ्ते में 2 बार परफॉर्म करने की कोशिश करें अगर आपका पर्पस है मसल बिल्डिंग। फिफ्थ बेस्ट एक्सरसाइज जो कि आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल में शामिल करनी चाहिए वो है पुलअप्स, जो कि बैक लैट मसल के साथ साथ आपकी ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी यूजफुल है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपके दोनों हाथ रहेंगे शोल्डर से बाहर, शोल्डर को रिट्रैक्ट करते हुए आप अपने आप को पुल करें टिल द टाइम आपकी चिन जो है वो बार से ऊपर ना चली जाए। स्टे देयर फॉर अ सेकंड, स्क्वीज करें अपर बैक को अच्छे से और फिर अपने आप को आराम आराम से नीचे छोड़े। पुलअप्स को आप 3 ग्रिप से परफॉर्म कर सकते हो, अंडर हैंड, ओवर हैंड एंड न्यूट्रल ग्रिप। बिगनर्स के लिए पुलअप्स करना डिफिकल्ट होता है, तो वो डेड हैंग से स्टार्ट कर सकते हैं, मींस जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए बार पे सिर्फ हैंग होने की प्रैक्टिस करनी है, और डेड हैंग करने जब उनके लिए इजी हो जाए तो वो नेगेटिव पुलअप्स पे मूव कर सकते हैं, जिसमें उनको जंप मार के ऊपर आना है और वहां पे होल्ड करना है एंड देन बहुत स्लोली होल्ड कर करके नीचे आना है। इसके बाद आप अंडर हैंड ग्रिप पुलअप्स ट्राई करें, जो कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं, और ये सब करने से आपकी उतनी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि आप नॉर्मल पुलअप्स भी इजीली कर पाओगे। सिक्स्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है बेंच प्रेस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर चेस्ट मसल। बेंच प्रेस परफॉर्म करने के लिए आपके शोल्डर हमेशा रिट्रैक्ट रहेंगे, लोअर बैक में अच्छा सा आर्च मेंटेन करें, दोनों पैर आपके फ्लोर पे अच्छे से प्लेस होने चाहिए। फॉर बेस्ट रिजल्ट आपके दोनों हाथों की ग्रिप होगी शोल्डर से थोड़ी सी बाहर। पूरी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपका हेड, अपर बैक और हिप्स हमेशा बेंच पे टच रहेंगे। जब भी बार को आप लिफ्ट करते हो तो आपको ब्रीद आउट करना है। एक्सरसाइज को आप कभी भी थंबलेस ग्रिप से परफॉर्म ना करें, क्योंकि बार आपके हाथ से स्लिप हो सकती है और आपको इंजरी हो सकती है। वेरिएशन के लिए आप
डंबल प्रेस भी ट्राई कर सकते हो, जो कि इक्वली गुड होता है। बट यस, ये एक्सरसाइज आपकी मसल बिल्डिंग की जो जर्नी है उसको इजी कर देगी। वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ बातें। सबसे पहली, सभी एक्सरसाइजेस को आप बेल्ट पहन के परफॉर्म करें और सेफ रहें। दूसरा, सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लैंक्स को अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा जरूर बनाएं। तीसरा, री रैक योर वेट। ऐसा करने से आपके हाथों की ग्रिप की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और आपका एक्सरसाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इन सभी एक्सरसाइजेस को आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में जरूर शामिल करें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी मसल बिल्डिंग की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह इस चैनल को प्यार करते रहें। मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।